नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। विकास नगर भीमवाला में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कैलर ने पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा में सरकार आपकी होगी। विकास नगर भीमवाला में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कैलर ने पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा में सरकार आपकी होगी। भीमवाला में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष एसएस कैलर की मौजूदगी में दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होने पर कार्यकर्ताओं का प्रदेश अध्यक्ष और विकास नगर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी डिम्पल सिंह ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष एसएस कैलर ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी से जनता को छलने का काम किया है। कहा कि प्रदेश में आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। डिम्पल ने बताया कि सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी दयाराम मंजू, इस्तिकार अंसारी, सतीश कुमार, प्रदीप कुमार, सुमित कुमार, मोहम्मद इरशाद, रोमी, ललिता विकास कुमार, दर्जन समेत दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त की है, जो कि विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीमीटर मित्र अभियान भी खूब सफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्षेत्र में श्यामा देवी ने नाम कमाया है और समूह बना के सभी महिलाओं को रोजगार दिया है, अपने पैरों पे खड़े हो स्वावलंबी बनाया है। क्या कहेंगे आप सब? बहुत बहुत बधाई और हमें बहुत खुशी है जी। और हृदय की गहराइयों से श्यामा जी और उनकी पूरी टीम को, सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। और जैसा मैंने कहा भी, इन छोटे प्रयासों से ही बड़े समाधान निकलेंगे और इन्होंने अभी एक सफलता की कहानी लिखी। 9 लाख के करीब मास्क वितरित करने की इन्होंने अभी COVID-19 में काम किया है और उसी का नतीजा है कि आज इस विकास में, और इस काम में थोड़ा सा हमारे ब्लॉक प्रमुख जी का असाधारण सहयोग रहता है। और 9 लाख के करीब इन्होंने मास्क वितरित किए और 4 बहनों को पूरे प्रदेश में मास्टर ट्रेनर के रूप में भी विकास नगर से प्रेरित किया। ये इनके क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इससे एक बात और समझने की जरूरत है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ करके देखिए, उद्यमिता, जैसा बहन बालाजी ने कहा उद्यमिता, महिला में उद्यमिता की बहुत क्षमता है। ये साबित करता है कि महिलाएँ अच्छे संगठन करता है, महिलाएँ अच्छी बिजनेस व्यवसायी हैं, महिलाएं अच्छे से बहुत डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को अरेंज कर सकती है, पूरा लॉजिस्टिक्स अपना डेवलप कर सकती हैं। और ये तमाम सारी क्षमताओं को इन्होंने प्रदर्शित किया और जब अभी मास्टर ट्रेनर के रूप में इन लोगों का चयन हुआ तो बाकायदा उसकी लिखित परीक्षा हुई। और आपको खुशी होगी कि इन्होंने जो उसके पैरामीटर्स थे उसको क्वालिफाई किया। और देखिए इनोवेटिव काम किया हुआ, ये थैले वगैरह तो आपको बताए। अब ये सीता बहन हमारे पास, इन्होंने गोबर से, मधुमक्खी के वैक्स से और ये तमाम सारा आयुर्वेदिक एक दिए इस प्रकार से बनाने का, जिसका जो बाई प्रोडक्ट होगा दिया जलने के बाद भी वो भी किसी न किसी उसमें काम आएगा, हैंड सैनिटाइजर बनाया जड़ी बूटियों से एक उससे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है आने वाले दिनों में बड़े ब्रांड के रूप में भी स्थापित हो। और आप में से कई लोगों ने मास्क जो पहने हुए भी हैं, जिससे लोगों लगा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई फैक्ट्री निर्मित नहीं है, ये इन बहनों के अपने हाथ का निर्मित है। तो मेरे ख्याल से इनकी सफलता की कहानी को उजागर करने के लिए ये चंद उदाहरण। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।